छत्तीसगढ़ के एकमात्र जूट मिल को बंद करने की नौबत आ गई है। यहां कच्चा माल नहीं मिलने के कारण कारखाना प्रबंधक ने मिल को बंद करने का फैसला लिया। कारखाना प्रबंधक के इस फैसले से यहां काम करने वाले सैकड़ों मजदूर प्रदर्शन करने लगे। बिलाईगढ़ के खुरसुला जंगल में पुलिस ने जुआ खेलते हुए 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पुलिस ने 2,35,000 रुपए नकद जब्त किए और 4,00,000 से अधिक के मोबाइल एवं मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। कोरबा में रविवार देर रात बस से कुचलकर बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए लोगों ने सोमवार को हंगामा कर दिया। लोगों ने स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। इसके चलते वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। जांजगीर जिले में सोमवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। छत्तीसगढ़ी लोक पर्व छेरछेरा के दिन यहां एक किसान के खेत में हादसा होने से मौत हो गई। किसान अपने खेत को ट्रैक्टर से समतल कर रहा था, इसी दौरान ट्रैक्टर उसके ऊपर पलट गया। ट्रैक्टर के नीचे दबने से उसकी मौत हो गई। खुद को मीडिया कर्मी बताकर लूटपाट करने वाले 4 फर्जी पत्रकारों को भिलाई की सुपेला पुलिस ने दबोचा है। इनके पास से लूटा हुआ कैश, वाकी टाकी और फर्जी प्रेस कार्ड भी बरामद किए गए हैं। बेमेतरा जिले में बैजी टोल प्लाजा के पास नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा हुआ है। हादसा इतना भयानक था कि मौके पर ही 2 युवकों की मौत हो गई। राजनांदगांव जिले की चिखली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मोटरसाइकिल से शराब का अवैध परिवहन करते आरोपी को पकड़कर उसके पास से 65 पौवा अंग्रेजी गोवा शराब बरामद कर बाइक को जब्त किया है। विश्रामपुर थाना क्षेत्र के लटोरी में बनारस मार्ग पर स्थित हार्डवेयर एवं ऑटो पार्ट्स दुकान के बाहर लोहे के सीकर से बांधकर रखे गए 3 टन से अधिक 47 बंडल छड़ को अज्ञात चोर ने चोरी कर लिया। इसकी कीमत करीब 2,00,000 रुपए बताई गई है। बिलासपुर में कांग्रेस नेता के घर हुई डकैती का पुलिस को अहम सुराग मिला है। इस सनसनीकेस डकैती कांड से जुड़े 4 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है। जमीन की पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए बदमाशों के साथ मिलकर डकैती की इस वारदात को अंजाम दिया गया है। कोरबा जिले में स्थित गेवरा खदान क्षेत्र के प्रभावितों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने की मांग को लेकर भू विस्थापितों ने गेवरा खदान में 2 घंटे काम बंद करा दिया। आंदोलन की खबर लगते ही अधिकारी स्थल पर पहुंचे और चर्चा कर तत्काल 8 लोगों को रोजगार दिलाया। रायगढ़ जिले के सरिया थाना क्षेत्र स्थित हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन के रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल ई आरक्षण टिकट कालाबाजारी के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके पास से डेस्क टॉप व लगभग 8,000 मूल्य का टिकट भी बरामद किया गया है। रायगढ़ जिले की यातायात पुलिस ने पुलिस कप्तान के आदेश मिलते ही भौहें तरेर ली है, जिसमें 35 बुलेट मोटरसाइकिल के साइलेंसर को निकालने के बाद जब्त कर भारी भरकम जुर्माना वसूल किया गया है। कवर्धा जिले के बोरला नगर के बाजार से सामान खरीदकर वापस जा रहे 2 बाइक सवार युवक टोल बैरियर के पास जाकर रखे डिवाइडर ड्रम से टकरा गए। हादसे में दोनों बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। केशकाल घाट में बीती रात एक अनियंत्रित ट्रक घाट से उतरने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अनियंत्रित ट्रक लड़ते हुए तीसरे मोर्चे सीधा मोड़ में जाकर गिरा, जिसके चलते ट्रक के परखच्चे उड़ गए। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक को ट्रक में ही घंटों तक फंसा रहा। बिलासपुर जिले की कोटा पुलिस ने पीपर तराई प्लांट में जुआ खेलते 16 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। जुआरियों से 48,810 रुपए नकद बरामद हुआ है।
कार्रवाई में 8 मोटरसाइकिल और 13 नग मोबाइल को भी पुलिस ने जब्त किया है। बिलासपुर जिले की सरकंडा पुलिस ने शराब प्रेमियों के खिलाफ अभियान चलाते हुए 5 लोगों को पकड़ा है। सभी के खिलाफ आबकारी एक्ट 36 च का अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस ने सभी 5ों को शिवघाट सरगंडा से गिरफ्तार किया है। कांकेर में वन विभाग के डिप्टी रेंजर ने अपने ही कर्मचारी की पत्नी से दुष्कर्म किया। पहली बार दवाई देने का झांसा देकर महिला को ले गया, फिर पति को जान से मारने की धमकी देकर डराया। इस दौरान पति की ड्यूटी बाहर लगा देता रहा और महिला से दुष्कर्म करता रहा। थाने में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद आरोपी फरार हो गया है। खूंखार और हार्डकोर नक्सली जग्गू कट्टा की बहन की हत्या कर फरार हुए उसके पति को कांकेर जिले की पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के साथ आरोपी की तलाश नक्सली भी कर रहे थे। पुलिस ने आरोपी को मुर्गा बाजार से पकड़ा। जगदलपुर रेलवे कॉलोनी में सड़क चौड़ीकरण और यहां आसपास के विस्थापितों ने मीडिया के समक्ष संजय गांधी वार्ड की पार्षद कोमल सेना पर 10 लाख रुपए लेकर प्रधानमंत्री आवास दिए जाने का आरोप लगाया है। कांकेर में नक्सलियों ने पर्चे और पोस्टर फेंककर पुलिस पर निशाना साधा है। पिछले दिनों फर्जी नक्सली बनकर डकैती डालने पहुंचे बदमाशों के मामले में नक्सलियों ने पुलिस पर लूटपाट करने और गुंडागर्दी का आरोप लगाया है।